In this lecture, we will study TTL NAND gate with the totem pole configuration output, or you can say active pull-up output. Active pull-up output ki hume zarurat kyon padi? Is totem pole configuration ki hume zarurat kyon padi? Previous lecture mein humne dekha tha, usko ek baar recall karte hain hum. Ye circuit diagram hai TTL NAND gate ka jo previous lecture mein humne kiya tha. Isme humne dekha tha ki ye T3 jo output transistor hai, jab ye transistor yahan par जब ये ऑफ स्टेट में होगा तो ये जो आउटपुट कैपेसिटेंस है, जो हम मान के चलते हैं कि आउटपुट में कोई कैपेसिटिव लोड है, आउटपुट में कैपेसिटिव लोड कहां से आता है, कोई भी गेट है उसकी आउटपुट इंपीडेंस जो है वो कंसिस्ट करती है रेजिस्टिव लोड प्लस कैपेसिटिव लोड, दोनों टाइप के लोड होते हैं उसकी आउटपुट के अंदर. तो जो कैपेसिटिव लोड है वो कहां से बनता है, जो भी यहां पर आउटपुट ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं किसी भी गेट सर्किट के अंदर, तो उस आउटपुट ट्रांजिस्टर का कैपेसिटेंस होता है. उसके अलावा जो भी फैन आउट गेट्स हम कनेक्ट करते हैं आउटपुट के अंदर, उन गेट्स का जो इनपुट कैपेसिटेंस है वो, और जो स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंस है, जो वायरिंग है बेसिकली बीच में उसका जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है वो, ये सारे के सारे कैपेसिटेंस मिलके कैपेसिटिव लोड बनाते हैं. इट मींस के जो आउटपुट इंपीडेंस है उसमें रेजिस्टिव लोड भी होता है और कैपेसिटिव लोड भी होता है. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने माना था कि ये कोई कैपेसिटिव लोड कनेक्टेड है इस तरह से, और जब ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है तो ये जो कैपेसिटेंस है ये इस तरह से यहां से यूं चार्ज होता है आउटपुट के थ्रू. तो इसकी चार्जिंग के लिए यहां पर जो भी डिले है, जो भी टाइम कॉन्स्टेंट है, उसको हमने आरसी से डिनोट करते हैं टाइम कॉन्स्टेंट को. तो इसमें हमने देखा था कि जब आउटपुट ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है तो इस तरह से ये चार्ज होगा कैपेसिटेंस, और इसके टाइम कांस्टेंट आरसी को कम करने के लिए हमें इस आरसी को रिड्यूस करने के लिए इस रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर जो भी लोड कनेक्टेड है वो फिक्स लोड है. इट मींस के जो सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है यहां पर, जिसको हम पुल अप रेजिस्टेंस कहते हैं, तो इसको हमें कम करना पड़ता है. उसके अलावा तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जब इसको हम कम कर देंगे तो जब ट्रांजिस्टर T3 ऑन स्टेट में होगा, सैचुरेशन रीजन में होगा, तो यहां पर इसके कम करने से जो भी इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट है, ये कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो पावर डिसिपेशन है सर्किट की वो इंक्रीज हो जाती है. इसके अलावा और प्रॉब्लम क्या थी यहां पर कि इस आरसी को जब हम कम कर देंगे तो आईसी के बढ़ने से जो आईसी सैचुरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर T3 को जब हम सैचुरेशन में लेके जाएंगे तो इसका जो आईसी सैचुरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है. तो जिसके लिए हमें यहां पर बेस करंट ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा यदि आपका सैचुरेशन कलेक्टर करंट ज्यादा है. तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए यहां पर इसमें दो कंडीशन अलग अलग अराइज हुई थी कि एक कंडीशन में तो हमें इस आरसी की वैल्यू कम रिक्वायर्ड है जब यह ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होता है. उसके अलावा सेकेंड स्टेज जब यह ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो हमें इस आरसी की वैल्यू ज्यादा रिक्वायर्ड है. इट मींस कि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट थी, तो इस पैसिव पुलअप की बजाय हम एक्टिव पुलअप यूज करते हैं सर्किट के अंदर, या कोई ऐसा डिवाइस हम यूज करें जब आउटपुट ट्रांजिस्टर कट ऑफ में हो तो यहां पर लो इंपीडेंस ऑफर करे, और जब ये T3 ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में हो तो यहां पर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करे. तो इसके लिए एक्टिव पुलअप हम यूज करते हैं. एक्टिव पुलअप के लिए हमने ट्रांजिस्टर यूज किया है, यहां पर यह ट्रांजिस्टर यूज किया हमने, और इसके साथ में एक डायोड यूज किया है. तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, T4 डी एंड T3, ये जो आउटपुट सेक्शन है इसको हम टोटम पोल से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉल्ड टोटम पोल बिकॉज ये इस T3 के यहां पर ऊपर हमने इसको इंस्टॉल किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टोटम पोल कहते हैं. तो ये आउटपुट सेक्शन है. इस सर्किट डायग्राम में जो हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर, ये इनपुट सेक्शन उसी तरह से जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, ये मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर है. यहां पर 3 एमीटर्स हैं इसके. इसको हमने इक्विवेलेंट डायोड सर्किट से यहां से रिप्रेजेंट किया है. उसके बाद ये जो T2 ट्रांजिस्टर का जो सेक्शन है इसको हमने लिखा है यहां पर फेज स्प्लिटर सर्किट. इट मींस कि ये जो T2 ट्रांजिस्टर है ये इन दोनों ट्रांजिस्टर को ऑन और ऑफ स्टेट में रखेगा. तो ये जो T2 ट्रांजिस्टर है ये जो स्विच का काम करेगा, ये ट्रांजिस्टर जब ये T2 ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होगा तो इस T4 के बेस पर 0 इनपुट होगी और इस T3 के बेस पर यहां पर हाई इनपुट होगी. इसके बाद जब ये ऑफ स्टेट में होगा इस T4 के बेस की इनपुट हाई होगी और यहां पर लो होगी. इट मींस कि 1 और 0 में या लो और हाई में इसको
स्प्लिट करता है, इसलिए इस सेक्शन को फेज स्प्लिटर बोलते हैं। अब इसका ऑपरेशन देखते हैं सर्किट का हम। मान लो इनिशियली यहां पर लो इनपुट सप्लाई कर रखी है, ये सारे के सारे इनपुट क्या है यहां पर, लो इनपुट्स है। लो इनपुट को हम मान के चलते हैं कि 0.2 वोल्ट है, जो हमारी VCE सैचुरेशन की ये वैल्यू है 0.2 वोल्ट। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है यहां पर इस इक्विवेलेंट सर्किट से। तो जब इनपुट लो होंगे तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है इसका, जहां पर हमने डायोड से रिप्रेजेंट किया है इसको, ये डायोड जब यहां पर लो है तो ये डायोड्स क्या हो जाएंगे, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ये डायोड, ये भी फॉरवर्ड बायस होगा, ये भी फॉरवर्ड बायस होगा। इट मींस के ये जो पाथ है यहां पर, ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, किससे, यहां पर लो से कनेक्टेड हो जाएगा। लो से कनेक्टेड होने का मतलब है कि यदि इस B1 पे हम वोल्टेज चेक करें तो इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होगा डायोड के अक्रॉस, और यहां पर जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रखी हमने लो वोल्टेज, दैट इज 0.2 वोल्ट। इट मींस के यहां पर 0.9 वोल्ट होगी इस बी पार्ट पे, दिस इज 0.9 वोल्ट। अब यहां पर ये जो 0.9 वोल्ट है, ये इस T2 को ऑन करने के लिए सफिशियंट है या नहीं है वो हम चेक करते हैं। इस T2 को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड रहेगी यहां पर इस ट्रांजिस्टर की, यहां पर जो बेस एमिटर वोल्टेज है, ये जैसे एमिटर टर्मिनल है इसका, तो यहां पर इन दोनों टर्मिनल के बीच में यहां पर जो VBE2 है और इस VBE3 है जो ये यहां पर, तो इसको ऑन करने के लिए यहां पर ये जो VB2 है, इस VB2 के ऊपर हमें वोल्टेज क्या रिक्वायर्ड है, ये VBE2 प्लस VBE3। इट मींस कि यदि हम इन वोल्टेजेस को ऑफ स्टेट में 0.65 प्लस 0.65 वोल्ट मान के चलें, तो ये वोल्टेज किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज 1.3 वोल्ट हमें रिक्वायर्ड है वोल्टेज, बट यहां पर वोल्टेज क्या है हमें सिर्फ 0.9 वोल्ट है, तो इट मींस के ये इसको ऑन नहीं कर पाएगी। तो ये जो डायोड है ये भी किस में रहेगा, यहां पर रिवर्स बायस में रहेगा ये डायोड। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में ये जो ट्रांजिस्टर है T2, ये ऑफ स्टेट में रहेगा, और T3 ट्रांजिस्टर भी किस में, ऑफ स्टेट में रहेगा। ये जो कंडीशन है इसके ऊपर क्या होगा, यहां पर हम यहां पर लिखते हैं कि जब इनपुट लो है, इनपुट लो है तो क्या होगा कि जो ट्रांजिस्टर T1 है, ट्रांजिस्टर T1 किस में है, ट्रांजिस्टर T1 का ये जो बेस एमिटर सेक्शन है, ये क्या है, दिस इज बेस एमिटर सेक्शन, और ये क्या है, दिस इज बेस कलेक्टर सेक्शन। ये बेस एमिटर के डायोड्स हैं और ये बेस कलेक्टर के डायोड्स हैं, क्योंकि ये भी क्या है, पीएन जंक्शन है बेसिकली, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड है। तो ये रिवर्स बायस का मतलब ये ओपन सर्किट होगा यहां पर इस तरह से, और इस साइड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मींस कि जब ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है, तो हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर की जो स्टेट्स हैं, यदि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ट्रांजिस्टर किस में है, एक्टिव रीजन में है। तो T1 किस में रहेगा, इस स्टेट में, एक्टिव रीजन में रहेगा। एक्टिव रीजन में रहने का मतलब है कि जो कलेक्टर है वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा, और यहां पर B2 पे सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिलेगी जो इन ट्रांजिस्टर्स को ऑन कर पाए। तो यहां पर ये क्या रहेगा, इस केस में T2 जो ट्रांजिस्टर है वो क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। इस केस में ये ट्रांजिस्टर T2 ऑफ स्टेट में है, इट मींस कि यहां पर जो एमिटर करंट है वो भी फ्लो नहीं करेगा। एमिटर करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसके बेस पर वोल्टेज हमें नहीं मिलेगी, और ये T3 ट्रांजिस्टर भी ऑफ स्टेट में रहेगा। तो T3 भी किस में रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। अब हम देखते हैं यहां पर कि T4 की क्या सिचुएशन रहेगी। ये T2 ऑफ स्टेट मींस के इसका यहां से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ये यहां से क्या है, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये किस में है, ऑफ स्टेट में है। तो ये ऑफ स्टेट में है, तो यहां पर जो इसका बेस है, ये VCC के थ्रू यहां पर इसका जो बेस करंट फ्लो करेगा वो इस ट्रांजिस्टर T4 को क्या करेगा, ये सफिशिएंट वोल्टेज होगी यहां पर, बिकॉज ये RC4 की यदि वैल्यू हम मान के चलें तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलो ओम के आसपास होता है, एंड दिस इज 4 किलो ओम, दिस इज 100 ओम्स, और यहां पर ये 1 किलो ओम के आसपास होता है। तो यदि इस VCC को हम यहां पर इस पॉइंट से हम देखें तो ये सफिशिएंट वोल्टेज रहेगी इस T4 ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए। इट मींस के यहां पर T4 ट्रांजिस्टर वो किस में रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा। अब
यदि आप इस सर्किट को एनालिटिकली आप चेक करना चाहें तो आउटपुट वोल्टेज हमें किसके बराबर मिलेगी, ये जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी यहां पर, ये ट्रांजिस्टर किसमें है, ऑन स्टेट में है। यहां पर ये वीसीसी जितनी भी होगी, यहां पर वीसीसी माइनस इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा, यहां पर क्या करंट फ्लो करेगा, IC4 माइनस ये जो रेजिस्टेंस है RC4 मल्टीप्लाइड बाय दिस IC4 जो भी इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। उसके अलावा ये जो T4 ट्रांजिस्टर ये किसमें है, ऑन स्टेट में है। ऑन स्टेट मींस कि ये सैचुरेशन रीजन में है। सैचुरेशन रीजन का मींस कि 0.2 वोल्ट होगी यहां पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहां पर VCE सैचुरेशन जो किसके बराबर होती है, 0.2 वोल्ट के बराबर होती है ये। उसके बाद यहां पर ये जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड किसमें होगा, जब यहां से करंट फ्लो कर रहा है तो ये डायोड डी भी किसमें होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो यहां पर माइनस इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, जो किसके बराबर होगी, 0.7 वोल्ट के आसपास। तो यदि इस करंट को हम चेक करें तो ये जो वोल्टेज है ये हाई वोल्टेज मिलेगी आपको, जो 5 वोल्ट में से ये माइनस करने के बाद मिलेगी। तो इस तरह से आप एनालिटिकल बिहेवियर इसका चेक कर सकते हैं। जब इनपुट यहां पर लो है, तो इनपुट जब लो है तो आउटपुट हमें क्या मिल रही है, यहां पर हाई आउटपुट मिलती है। यहां पर इसको जो हमने VB2 पॉइंट लिया, ये VB2 पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने वोल्टेज देखी थी 1.3 वोल्ट, बट इस पे VB1 पे भी हम बताना चाहें, इस VB1 पे जो वोल्टेज हमें यहां रिक्वायर्ड है वो कितनी वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस ये जो एक डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड जो मान के चले हम, ये क्योंकि कलेक्टर बेस जो जंक्शन है इसका भी एक पीएन जंक्शन डायोड है, तो ये इसमें 1.3 प्लस यहां पर 0.65 और एड हो जाएगी, तो ये 1.95 वोल्ट हमें इस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है, जो कि 0.9 वोल्ट थी। सो अब हम देखते हैं कि जब इनपुट हाई होगी उस केस में क्या होगा, जब सारे के सारे इनपुट यहां पर क्या है, हाई है, ये सारे के सारे इनपुट हाई होंगे, तो उस केस में क्या होगा यहां पर, कि ये डायोड जितने भी डायोड हैं, ये सारे के सारे डायोड क्या होंगे, यहां पर रिवर्स बायस होंगे। रिवर्स बायस मींस कि इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इट मींस कि यहां पर हाई वोल्टेज मिलेगी हमें B1 के ऊपर, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, ये जो पार्ट है इसका, ये आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो डायोड है यहां पर, ये डायोड किस कंडीशन में होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा यहां पर। इट मींस कि ये फॉरवर्ड बायस है बेस कलेक्टर जंक्शन, और यहां पर ये जंक्शन जो बेस एमिटर जंक्शन है, ये क्या है, रिवर्स बायस है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इन्वर्टेड रीजन में है। जो एक्टिव रीजन था हमारा, उसके बाद ये किस में आ जाएगा, इन्वर्टेड रीजन में। यदि हम इसको लिखना चाहें कब, व्हेन इनपुट्स आर हाई, जब इनपुट हाई होंगे तो क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर T1 है वो किस में है, दैट इज इन्वर्टेड रीजन। इन्वर्टेड रीजन में जो कलेक्टर बेस जंक्शन वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ये कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो इस B2 पे यहां सफिशियंट वोल्टेज मिलेगी इस VCC से हमें, जो इसको फॉरवर्ड बायस करेगी। फॉरवर्ड बायस करेगी तो ये ट्रांजिस्टर किस में होगा, T2 ऑन स्टेट में होगा। सो T2 किस में रहेगा, यहां पर ऑन स्टेट में होगा। जब T2 यहां पर ऑन स्टेट में है, तो इट मींस के यहां पर सफिशियंट एमिटर करंट फ्लो करेगा, और B3 पे हमें क्या मिलेगी, सफिशियंट वोल्टेज मिलेगी इस T3 को ऑन करने के लिए। सो T3 भी किस में होगा, ऑन स्टेट में होगा। अब हम देखते हैं कि जब ये T3 ऑन स्टेट में है, T2 ऑन स्टेट में है, तो T4 पे क्या इफेक्ट रहेगा, यहां पर ये T4 क्या करेगा, बेसिकली इसके ऑन होने का मतलब है कि ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा इस तरह से। ये शॉर्ट सर्किट का मतलब कि यहां पर 0.2 वोल्ट होगी। इट मींस कि यदि हम इस VB4 पे वोल्टेज चेक करें, VB4 पर यदि इस VB4 पर हम वोल्टेज चेक करें, तो इस पर वोल्टेज कितनी है, ये ऑन है, ऑन मींस के VBE3 और ये VCE set 2, ये वोल्टेज किस पे होगी, VB4 पे। इट मींस के यदि हम यहां पर इस VB4 को चेक करें, VB4, तो VB4 वोल्टेज किसके बराबर होगी, इस VCE set, ये जो VCE जो ट्रांजिस्टर 2 का जो सैचुरेशन वोल्टेज है वो, प्लस यहां पर जो ये जो VBE3 है, इन दोनों वोल्टेजेस को यदि हम ऐड कर दें
तो वो VB4 की वोल्टेज आ जाएगी, इट मींस कि इस VB4 की वोल्टेज, और ये कितना है 0.2 वोल्ट्स है, और VB4 को हम 0.7 वोल्ट मान के चलें, तो ये 0.9 वोल्ट इसके ऊपर, यहां पर कितनी वोल्टेज है 0.9 वोल्ट। कब? जब ये हाई इनपुट सप्लाई कर रखी है, T2 भी ऑन है और T3 भी ऑन है, ये 0.9 वोल्ट है, बट इसको ऑन करने के लिए हमें क्या वोल्टेज रिक्वायर्ड है कि ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज है, दिस इज VBE4 और प्लस ये VD, तो इसको ऑन करने के लिए हमें T4 को जो ऑन करने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो कौन सी वोल्टेज है, VBE4 प्लस VD, इट मींस VBE4 जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो कितनी 0.65 वोल्ट्स, और VD भी यहां पर हम मान के चलें 0.65 वोल्ट, इट मींस के यहां पर 1.3 वोल्ट हमें रिक्वायर्ड है, इट मींस के VB4 यहां पर इस B4 पर वोल्टेज 1.3 वोल्ट होगी, तब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इस आउटपुट से कनेक्टेड रहेगा। अब इस डायोड को हमने क्यों यूज किया, ये वही रीजन है, यदि ये डायोड यहां पर नहीं होता तो सिर्फ हमें VBE4 रिक्वायर्ड थी यहां पर, और इसको 0.65 वोल्ट चाहिए, ये 0.65 वोल्ट यहां पर होती तो इनपुट क्या है 0.9 वोल्ट, ये T4 भी ऑन स्टेट में होता, इट मींस कि T3 और T4 दोनों ऑन स्टेट में होते, इट मींस कि ये डायोड हमने यहां पर क्यों यूज किया है कि जब ये T3 ऑन स्टेट में है तो इस T4 को ऑफ स्टेट में करने के लिए हमने ये डायोड को यूज किया है यहां पर। तो इस डायोड के समेत यहां पर वोल्टेज हमें क्या रिक्वायर्ड है 1.3 वोल्ट, और मिल हमें कितनी रही है 0.9 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि जो T4 है वो किस में रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा, T3 किस में रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा, और यहां पर ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये इससे ग्राउंड से कनेक्टेड है, इट मींस कि आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगी, V0 क्या रहेगा, लो रहेगा। तो ये सर्किट का ऑपरेशन है जो टोटम पोल कॉन्फ़िगरेशन हमने यहां पर लगाई है। टोटम पोल कॉन्फ़िगरेशन ने क्यों लगाई थी, क्योंकि कैपेसिटिव लोड के लिए हमें यहां पर एक्टिव पुलअप की रिक्वायरमेंट थी। एक्टिव पुलअप क्या करता है, जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होता है तो ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लो इंपीडेंस ऑफर करता है, कैसे, जब ये ऑफ होगा तो ये ऑन स्टेट में होगा तो लो इंपीडेंस ऑफर करेगा, और जब ये हाई स्टेट में है मींस के ऑन है T3 तब ये ऑफ रहता है, इट मींस के हाई इंपीडेंस ऑफर करता है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो ये टोटम पोल कॉन्फ़िगरेशन इसलिए यूज की हमने। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ये जो NAND गेट था विद टोटम पोल कॉन्फ़िगरेशन और एक्टिव पुल अप सर्किट आप कह सकते हैं, तो इसके बारे में यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।